बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी, और ईश्वर से कामना करते हैं कि आपका मुजफ्फरपुर नाम और दूर जो आया खूब ऊंचाई प्रदान करे, हासिल करे, यही हम कामना करते हैं। मुखिया बनने से पहले भी मेरी बहुत कहानी, हम एक ठेला जितना वजन ले सकता है उतना वजन से हम साइकिल से जाते थे गोला पर, और सामान लेकर के आते थे और पढ़ते थे, फिर किराना का दुकानदारी भी करते थे। मतलब ये चीज़ कहा जा सकता है कि किराना दुकान से मंत्रिमंडल तक का सफर आपने तय किया है। एकदम निश्चित। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री इसराइल मंसूरी है हमारे साथ, खास बातचीत करेंगे, विभागीय सवाल होगा और मुजफ्फरपुर और कांटी के लिए क्या कुछ खास होगा पूरे प्रकरण पर खास बातचीत होगी। सबसे पहले विधायक से मंत्री बनने पर मुजफ्फरपुर नाव की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी, और ईश्वर से कामना करते हैं कि आपका मुजफ्फरपुर नाव और दूर जो आया खूब ऊंचाई प्रदान करे, हासिल करे, यही हम कामना करते हैं। बड़ा संघर्षमय सफर की शुरुआत हुई, मुखिया बने, 2020 में विधायक बने, और बहुत कम देखा जाता है कि जो पहली बार विधायक बनते हैं वो मंत्री ही बनते हैं। संघर्ष, इतना बड़ा संघर्ष और आज एक मुकाम मिला, कैसा महसूस कर रहे हैं? निश्चित तौर पर ये कांटी के सामान्य जनता का अपार स्नेह और प्यार और लोगों की दुआएं काम आई हैं। मुखिया बनने से पहले भी मेरी बहुत कहानी, हम एक ठेला जितना वजन ले सकता है उतना वजन से हम साइकिल से जाते थे गोला पर, और सामान लेकर के आते थे और पढ़ते थे, फिर किराना का दुकानदारी भी करते थे। वहाँ से हमारी शुरुआत हुई है, और मुझे लगता है कि इस मुकाम पर अगर हम आए हैं तो लोगों की दुआएं काम कर रही है, क्योंकि हमने जीवन में किसी को अपने से नुकसान करना कभी नहीं सीखा। लोग अगर हमको नुकसान करना के अभी अगर सोचा तो हम बचने का काम किया, हम प्रहार करने का कभी नहीं सोचा। मुझे लगता है यह सोच जो है के कारण ही लोगों की दुआएं हमको मिली है और आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। मतलब ये चीज़ कहा जा सकता है कि किराना दुकान से मंत्रिमंडल तक का सफर आपने तय किया है। एकदम निश्चित तौर पर। चलिए मुजफ्फरपुर और कांटी, क्योंकि कांटी आपका हर चीज़ में काफ़ी कहीं ना कहीं अग्रणी है बिहार में, तो मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, तो कांटी के लिए क्या कुछ खास प्लानिंग? निश्चित तौर पर बहुत ही आशा और विश्वास के से हमको लोगों ने, कांटी के सम्मानित जनता ने आशीर्वाद स्नेह प्यार दिया था, और महसूस भी किया था ये नौजवान हैं, युवा हैं, इनसे कांटी का सर्वांगीण विकास होगा। हम विधायक लगभग 2 साल अब पुरने वाला है, विधायक की भी हम जो कार्य किया है जो संभव है लोगों को किया है, और लोगों को सम्मान देने में कमी हमने जो आशा लोगों ने रखा था, हम भरपूर प्रयास करते हैं कि तमाम वर्गों के लोगों को सम्मान दे करके चले, और जो भी राजनीतिक खर्च करता हो चाहे जिस दल से जुड़ा हुआ है, मुझे पूरा हमेशा यह प्रयास रहा है कि हम उनको भी लेकर के चले, क्योंकि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के वर्करों की पीड़ा को हम जानते हैं। हम बस के छतरी पर चढ़ के रैली में हम पटना गए हुए हैं, और साधारण वर्कर के एक गाँव के कार्यकर्ता के रूप में भी हमको काम करने का मौका मिला है। इसलिए वर्कर कोई भी हो चाहे जिस पार्टी को हो, उसको पीड़ा को हम समझते हैं, इसलिए हम हमेशा प्रयास किए हैं कि सभी लोगों को लेकर के चले। एक तो कहानी बड़ा दिलचस्प थी कि मुखिया दुकान किराना का दुकान किए, मुखिया बने, विधायक बने, मंत्री बने, और बड़ा दिलचस्प विभाग भी आपको मिला है। बिहार में आपका पहला विभाग है जो कहीं ना कहीं ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन की दुनिया में बिहार को कैसे एक मुकाम पर स्थापित कर पाएंगे? निश्चित तौर पर हम लोग आधुनिक युग में जी रहे हैं, और इस युग में आईटी का बहुत बड़ा महत्व है। हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और उप मुख्यमंत्री युवाओं की आन बान शान श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हम बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने जो है से मंत्रिमंडल में शामिल कराया, और देश के जाने माने अनुभवी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के कैबिनेट का हिस्सा हम बने हैं। हम तमाम उन लोगों को हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और निश्चित तौर पर
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी जो हैं उनका भी विजन विकास के मामले में बहुत ही सीधा विजन रहता है और उनकी सोच जो है उनके सोच के साथ हम भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को गांव तक तो कैसे जाए, चूँकि आज ज़रूरत है हर चीज़। आपको परिवार का कोई भी सदस्य का प्रमाण पत्र हो, किसी भी अतिरिक्त तरह का अब जो काम है वो ऑनलाइन हो रहा है। हम प्रखंड में RTPS काउंटर है, इन सब चीज़ों की हमेशा जानकारी मिलती रही है कि सर्वर डाउन है, तो हमने नज़दीक से उसका देखने का काम किया है। प्रॉब्लम को निश्चित तौर पर इस प्रॉब्लम को भी हम प्रयास करेंगे कि दूर हो, क्योंकि हमारे मजदूर क्लास के लोग, गरीब गुरबा महिलाएं कागज़ लेकर के प्रखंड के दर दर की ठोकर खाती है आती है, अपना मजदूरी छोड़ करके। अब मालूम होता है कि सर्वर डाउन है तो परेशानियाँ हमने देखा है, उन तमाम परेशानियों को दूर करने का प्रयास करूंगा। मंत्री पद का शपथ लिया आपने और सबसे पहला जो खबर आई निकल करके मुजफ्फरपुर में IT पार्क का निर्माण होगा, कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर के तरफ रुझान आपको ये चीज़ स्थापित कर दिया कहीं ना कहीं कि मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं तो मुजफ्फरपुर में एक नया IT पार्क का निर्माण होगा। देखिए, निश्चित तौर पर हम लोगों का कर्म भूमि भी है, जन्म भूमि भी है, और मुजफ्फरपुर के लोगों का आशीर्वाद भी हमको मिला है और उनकी बदौलत हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं, तो उनको भी आशा होगी और हम भी प्रयास करेंगे कि हम जो है सो कि उनकी आशा के अनुरूप कुछ तो हम चाहेंगे कि जब इतना प्यार और आशीर्वाद स्नेह मुजफ्फरपुर के जिला के लोगों ने दिया है तो निश्चित तौर पर कुछ हमको मौका मिले तो कुछ भी हम इस जिला के लोगों को देने का काम करें। एक अहम सवाल होगा रोजगार के विषय में, अगर बात करें तो तेजस्वी यादव ने जीवन में घोषणा किया था कि 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी, फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा, स्पष्ट कर दिया कि 20 लाख लोगों तक रोजगार पहुँचाया जाएगा। तो विभागीय स्तर पे बिहार के आम जो युवा हैं जो रोजगार में जाना चाहते हैं, नौकरी के सेक्टर में क्या कुछ विभागीय तैयारी की शुरुआत की जा रही है? देखिए, तो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी 15 अगस्त जो भी गया है उसके झंडा तोलन में भी बिहार को संबोधित करते हुए उन्होंने बोला है कि हम 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जल्दी बोलते नहीं हैं, और बोलते हैं तो उस काम को करते हैं। और ये जो महागठबंधन हुआ है ये इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है और मुख्यमंत्री जी ने महसूस किया है और वो चाहते भी हैं कि अब युवा जो है सो आगे आवे, युवाओं की परेशानी को दूर किया जाए। और हम लोगों को माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी ने तो घोषणा ही किया था कि हमारी सरकार आएगी तो 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे, और आज मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए जो है बहुत ही खुशखबरी और शुभ संकेत जरूर है। थोड़ा सेक्टर से अलग होते हैं, एक बड़ा अहम सवाल आ जाता है, चूँकि मुजफ्फरपुर की राजनीति में आप जब सक्रिय हुए तो आपका एक लगाव था, आपने बताया था, हमसे ही बातचीत में बताया था, एक सेंटीमेंट लगाव है आपका मुजफ्फरपुर एक चीज़ से, वह पता ही एयरपोर्ट। अब तो विधायक से मंत्री बन गए, आगे पहल जारी रहेगा? देखिए, निश्चित तौर पर हम एक विधायक के रूप में जब हम थे उस समय भी केंद्रीय मंत्री नागरिक उड्डयन श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से हम मिलकर के आए थे और अपनी बात रखे थे, और मुझे लगता है कि 2 माह भी नहीं हुआ होगा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपनी बात रखने का हम काम किए थे कि भाई पता ही एयरपोर्ट को चालू किया जाए। आज तो कुछ और लोगों की कृपा से हमको और गरिमामय पद पर आए हैं, तो निश्चित तौर पर मेरा प्रयास इसमें कमी नहीं होगा, हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। कांटी की अगर बात किया जाए, थोड़ा कांटी के लोगों में काफ़ी खुशी है, जब से TV पर चलने लगा सूत्रों के हवाले से जब खबर चल रही थी कि इस साल में उसकी मंत्री बनना है, तब से लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए और बधाई देने लगे, तो कांटी के लोगों में एक अलग सा कहीं ना कहीं रुझान था आपके मंत्री बनने से लेकर, तो कांटी के लिए जो प्लानिंग किए हैं कुछ प्लानिंग बता दीजिए। देखिए, मेरा तो अभी IT मिला है और IT को समझना भी पड़ेगा, समझे, और ईश्वर अल्लाह ने हमको जितना समझने की शक्ति दी है उन तमाम चीज़ों को हम बारीकी से समझेंगे, और इतना ज़रूर चाहेंगे कि कांटी के युवाओं को इसको लाभ मिले भविष्य में, ये मेरा निश्चित प्रयास रहेगा।
कांटी को कहीं ना कहीं बेनिफिट ध्यान में रखा जाए। निश्चित तौर पर जो है सो कांटी के सम्मानित जनता ने जो हम पर विश्वास किया था, हम खास करके छात्र नौजवान युवाओं से कहना चाहेंगे कि हमसे जो संभव होगा हम वहाँ के युवाओं के लिए करने का काम करेंगे। चलिए, तो ये सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और कहें तो आईटी मंत्री सयाल मंसूरी जी को सुन रहे थे। बातचीत कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मुजफ्फरपुर और कांटी के लिए काफ़ी कुछ विशेष इन्होंने सोच कर रखा है, जो आगे स्पष्ट रूप से काम के माध्यम से देखने को मिलेगा। और आगे बने रहिए हमारे साथ, और आपका भी कोई सवाल होगा विधायक जी से मंत्री बने हैं उनके सफर के ऊपर, तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। निश्चित रूप से इनसे जवाब लेकर आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। कैमरे के पीछे सहयोगी हैं और गौरव के साथ मुजफ्फरपुर नाउ आप देख रहे हैं।